चौदह तबक की जहान में कीना तरफ न पाई अरसहक, सो किया अरसा दिल मोमिनो ए निस्बत मेहर मुतलक, ए निस्बत मेहर मुतलक। हक नूरा रूह महमंद, अक्षरती धामधनी श्री महामति जी के धाम हृदय से इस खुलासा वाणी के द्वारा उस रहस्य को उजागर कर रहे हैं जो आज तक इस सृष्टि में नहीं हुआ था। वाणी कहती है कि इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में किसी ने नहीं बताया था कि परमधाम है कहाँ। आप सारे संसार में चले जाइए, परमात्मा की खोज कीजिए कि परमात्मा कहाँ है। वाणी कहती है ऊपर तले अर्श ने कहया, अर्श कहया मोमिन कलो। एक प्रश्न खड़ा होता है कि यदि इस क्षर जगत को देखा जाए तो यह भी इतना अनंत है कि मनुष्य की बुद्धि सोच ही नहीं सकती कि इस अनंत सृष्टि के परे क्या है। करोड़ों गैलेक्सियां, एक एक गैलेक्सी में करोड़ों लोक, फिर भी ब्रह्मांड का केवल वो 12% शेष कहाँ है कुछ जानकारी नहीं। इसके परे बेहद है, बेहद वह है जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई न हो, जिसके जिसका विस्तार अनंत हो। कितना लंबा है ये मनुष्य की बुद्धि आंक नहीं सकती। परमधाम के बारे में तो कहा ही जाता है कि इंतहाई नहीं अर्शभूम का सब चीज़ों नहीं सुमार। परमधाम कितना लंबा चौड़ा है न ब्रह्म न जीव सृष्टि की बुद्धि आकलन में ला सकती है, न ईश्वरीय सृष्टि की बुद्धि आकलन में ला सकती है, और तो और ब्रह्म सृष्टियाँ भी नहीं जान सकती कि परमधाम कितना बड़ा है। जितनी अनंत की कल्पना हो सकती है परमधाम उससे भी अनंत है। लेकिन संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि हम जितने अनंत की कल्पना कर सकते हैं आकाश उससे भी परे है, और हम तो आकाश से भी परे निराकार की मान्यता रखते हैं। आकाश तो पंच महाभूतों में आता है, पंच महाभूत तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, उसके परे अहंकार है, अहंकार के परे महत्त्व है, महत्त्व के परे मोह तत्व कारण प्रकृति मोह महाकारण स्वरूप होता है। आप सोचिए हमारा छोटा सा दिल है, वाणी कहती है सारा परम धाम हमारे हृदय मंदिर में बसता है। एक ऐसी बात जिस पर किसी को विश्वास न हो, अनंत सृष्टि जिसका ओर छोर मापा नहीं जा सकता, अनंत बेहद जिसके विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती, अनंत परमधाम कितना लंबा चौड़ा है राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। राज्य के अंग सभी हैं लेकिन लीला ऐसी कर रखी है कि न सखियों को पता न श्यामा जी को पता कि इस परमधाम के बाहर क्या है। जब बात आती है कि हद और बेहद और परमधाम की, तो उस पर मौन रहना पड़ता है कि ये सीमा रेखा हम कैसे खींचे कि हद के परे बेहद है और बेहद के परे परमधाम है। लेकिन वाणी कहती है कि सारा परमधाम आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। ये बात वैसे ही है जैसे कोई यह कहते कि हिमालय पर्वत को एक मक्खी अपने पंखों पर बैठा कर सारे संसार का चक्कर लगाती है। कोई विश्वास नहीं करेगा, कहेगा कि ये गप है। वैसे ही ये भले ही कोई गप माने लेकिन यह सच है। कलुबे मोमनेन अरसे मनस्थ, ब्रह्मात्मा का धाम उसका हृदय है। अब एक बात याद आती है कि हृदय तो सभी का है, सबका हृदय क्यों नहीं धाम हो जाता। गौतम बुद्ध ने हमसे ज़्यादा तपस्या की है, हमारे मन में तो विकार पैदा हो जाते हैं। सुखदेव जी को पता ही नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। कबीर जी को नहीं पता। अक्षर की पंचवस्ताएं इतनी तपस्या में ध्यान साधना में लीन हैं, इतना निर्विकारता को प्राप्त कर लिया, इतनी अधिक हम उनके सामने खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रखते। ना हम सुखदेव जैसे निर्विकारता प्राप्त कर पा रहे हैं,
न बुद्ध जैसी शालीनता और तपश्चर्या हमारे पास है, न कबीर जी जैसी माया से निर्मोहता हमें प्राप्त है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे दिल में परमधाम बसता है, संसार के दिल में नहीं। अर्श दिल मोमिन कह या दूनी दिल इब्लीस, हर कोई कहता है कि संसार वालों के दिल में इब्लीस यानी शैतान की बैठक है और हमारे दिल में युगल स्वरूप की बैठक है। किस अधिकार से कहते हैं? क्या संसार के किसी मनीषी ने अब तक अपने हृदय को धाम बनाने का प्रयास नहीं किया? इस संबंध में गीता का एक कथन हमें याद रखना चाहिए। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से तिष्ठति अर्जुन, परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद चल रहा होता है, बृहदारण्यक उपनिषद में ये प्रसंग आता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि गार्गी, यह आत्मन तिष्ठति अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा के अंदर विद्यमान है लेकिन जिसको आत्मा नहीं जानती। ऋषियों ने बहुत प्रयास किया है, शायद हम उतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये रहस्य समझने की है। जो मनीषी यह कहते हैं कि हमारे हृदय मंदिर में परमात्मा है, हम उसको नकारते हैं कि उनके हृदय में शैतान है, हमारे हृदय में परम धाम है। किस आधार पर? इसका एक विशेष कारण है। सबने ये माना है कि परमात्मा सबका है, यह निर्विवाद सत्य है। अक्षर अक्षरातीत और क्षर की विवेचना तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही हो पाई है, इसके पहले नहीं होती थी। परमात्मा की जो महिमा है, परमात्मा के लक्षण हैं, सभी ग्रंथों में सांकेतिक रूप से विस्तृत रूप से भी दोनों तरह से लिखे हैं। संसार के बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं ने इस पर व्याख्यान दिया है लंबे लंबे, लेकिन फिर भी वो निर्णय नहीं कर पाए कि परमात्मा को हम कहाँ बसाएं या परमात्मा को हम कहाँ देखें। एक विचारधारा पनपी, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी आँख आप लोगों को देख रही है, उसी तरह से जो हमारा चैतन्य है, जिसको हम जीव कहें या आत्मा कहें, मैं संसार की भाषा में बोल रहा हूँ, वही तो परमात्मा को देखेगा, चाहे नारायण को देखे, चाहे अक्षर को देखे, चाहे अक्षरातीत को देखे। यानी चैतन्य की दृष्टि ही परम चैतन्य परमात्मा को देखती है, चाहे वाणी की भाषा में हम अक्षर कहें या अक्षरातीत कहें या अक्षर कहें, यह सर्वमान्य तथ्य है। जड़ से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, चेतन से होता है। इसलिए सबने क्या माना, उपनिषदों में कहा गया है कि हृदय है ऐसा आत्मा, हमारी आत्मा क्या है, हृदय में है। तो मनीषियों का सिद्धांत माना गया कि परमात्मा हृदय मंदिर में रहता है। जब हम वाणी से उसकी समीक्षा करते हैं तो एक बात आती है कि हमारे हृदय में तो परमात्मा बसेंगे, राज्य बसेंगे, परम धाम बसेगा, से संसार वालों के हृदय में माया का विकार बसेगा, इब्लीस बैठता है। इब्लीस का अर्थ होता है शैतान यानी दज्जाल। दज्जाल कोई व्यक्ति नहीं है, दज्जाल करत कछु ऐसा, अंतर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिर आए देवे अकल। सुंदर साथ के मन में एक बहुत बड़ी भ्रांति चल गई है, हर बात में कह देते हैं विष्णु क्या है, दज्जाल है, शैतान है। ऐसा वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि विष्णु दज्जाल है या शैतान है। यह सुंदर साथ ने खुलासा सागर, खुलासा मार्फत सागर, क्यामतनामा और सनंद के वास्तविक आशय को नहीं समझा। जहाँ भी विष्णु भगवान का प्रसंग आता है वहाँ जी करके प्रयोग किया। एक भगवान विष्णु वैकुंठ को नाथ, इस तरह से वर्णन किया गया है। लेकिन हम जब किसी भी हिंदू के सामने कहेंगे कि अरे क्या विष्णु की उपासना करते हो, वो तो शैतान है, दज्जाल है, तो उसकी भावनाएं कितनी आहत होती होंगी, शायद इसका आप आकलन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो विष्णु को तो अपना परमात्मा माने बैठा है और आप कठोर शब्दों में कहते हैं कि वो शैतान है। इसके रहस्य को समझना होगा। खुलासा ग्रंथ का आज भी की टीका का आज विमोचन होगा और उसके पहले प्रकरण में यह बात दर्शाई गई है।
अब्लिस क्या है? शैतान, या इसको दज्जाल कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में उसको कलयुग कहते हैं या अज्ञानता कहते हैं, अज्ञान। अज्ञान क्या है? मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन ये नाम सारे नीत के निराकार निर्गुण। जो इस काल माया के ब्रह्मांड में चैतन्य रहता है उसके ऊपर सत्व रजतम का प्रभाव रहता है और सत्व रजतम के प्रभाव से वो अपने को भुला रहता है। सत्वगुण के प्रभाव में वो स्वयं को जानने का प्रयास करता है, रजोगुण के प्रभाव में वो दिन रात काम में लगा रहता है, मैं ये कर लूँ ये कर लूँ। तमोगुण के प्रभाव में वो स्वयं को भूल जाता है, निद्रा प्रमाद आलस्य उसके लक्षण हो जाते हैं। यानी रज और तम का जैसे ही उस पर प्रभाव पड़ा वो माया की गहरी निद्रा में सो जाता है और न स्वयं को जान पाता है न अपने प्राणेश्वर को जान पाता है। इसी को कहते हैं कि उसके दिल में शैतान की बैठक हो गई है, शैतान कोई व्यक्ति नहीं। कुरान में इस प्रसंग को गहरे तरीके से समझाया गया है एक अलंकारिक कथन के रूप में कि अल्लाह ताला ने आदम का निर्माण किया मिट्टी से और सब फरिश्तों को कहा कि इस पर सिजदा करो। अजाजिल ने मना कर दिया कि मैं आग का बना हूँ, ये मिट्टी का आदम है, मैं इसको प्रणाम नहीं करूँगा। उसको फटकार लगी कि यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तो तुम्हें इस बहिष्ट से निकाला जाता है। अब प्रश्न यह है, सर्वशक्तिमान के सामने एक बेचारी अजाजिल जैसे फरिश्ते की क्या हिम्मत जो कहते कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। जिसके आदेश से इच्छा मात्र से जिसके सतंग से असंख्यों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की सामर्थ्य एक नादान से फरिश्ते में कहाँ से हो गई। लेकिन ये अलंकारिक कथन है, हमने उसको बिल्कुल सच मान लिया है। जब आप खुलासा ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसके पहले प्रकरण में यही सारा प्रसंग आता है और सुंदर साथ इसको सचमुच घटना मान लेता है। ये घटना नहीं है, अलंकारिक तथ्य है। मोर सांप जीत ले निकस्या भीष्ट सेति शैतान। मोर किसका प्रतीक है? रजोगुण का। सांप किसका प्रतीक है? तमोगुण का। यानी जो जीव का हृदय है उस पर रज और तम ने अपना अधिकार जमा लिया। अब वो कुरान में एक किस्सा आता है, कुरान के शब्दों के जो बाह्य अर्थ लेंगे तो भटकाव होगा, आंतरिक अर्थ लेंगे तो वास्तविक सत्य का निरूपण होगा। सुंदर साथ इस घटनाक्रम में काफ़ी उलझ जाता है कि भाई ये क्या कहानी है कि मोर और सांप जीत ले निकस्या भीष्ट देसी शैतान और गेहूं खिलाने का जो प्रसंग है, ये सारे कथन अलंकारिक हैं। जो रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक मोर और सांप को कहा गया है, जब अजाजिल को बहिष्ट से बाहर निकाला जाता है इबलीस को, प्रसंग क्या है? इबलीस अजाजिल के मन की शक्ति है। खुलासा में दो नामा प्रकरण है, उसमें वेद और कतेब का एकीकरण किया गया है। मैं ये प्रसंग की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, सुंदर सा टीका पढ़कर तो सब विस्तार पूर्वक जान जाएगा, मैं संक्षेप में सारी बातों पर प्रकाश डालता हूँ ताकि जो टीका न पढ़ पाए उस सत्य को समझ जाएं। विश्व को अजाजिल फिरिश्ता एक कहा गया है, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में विष्णु कहा गया है उसको अजाजिल फरिश्ता कुरान की भाषा में कहा गया है। फरिश्ता किसको कहते हैं? ईश्वरी सृष्टि को भी फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ते का लक्षण दैवी होता है, वो धर्मानुकूल व्यवहार करता है, कोई गलत कार्य नहीं करता, लेकिन उसका मन क्या है? अब इबलीस है, स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि पर आप काला कोई पदार्थ रख देंगे तो पूरी मणि का रंग काला हो जाएगा। मणि काली नहीं है, स्फटिक मणि बिल्कुल सफ़ेद होती है लेकिन वो काले रंग के रूप में भासने लगती है। लाल रंग रख देंगे तो मणि का रंग लाल हो जाएगा, मूलतः वह सफेद है। इसी तरह से महातत्व से मन चित्त बुद्धि अहंकार जो भी पदार्थ बने हैं वो मूलतः श्वेत हैं, लेकिन जब रज और तम उसको ग्रसित कर लेते हैं तो रज
रजोगुण का प्रतीक है लाल रंग का और तम तमोगुण का प्रतीक है काले रंग का। रज और तम से आक्रांत होकर प्रकृति के सुखों में फंस जाता है यह मन, यह चित्त, यह बुद्धि और अहंकार। और जीव तो दृष्टा है, दृष्टा होकर के देख रहा होता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जैसा प्रकृति के संयोग से इनमें भावना आती है, संकल्प विकल्प होती है, चिंतन मनन होता है, बेचारा जीव वैसा ही करने के लिए वशीभूत हो जाता है। यानी रज और तम जीव को कभी भी परमात्मा की तरफ जाने नहीं देते। मन के संकल्प के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। हम उठेंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे, सबके में मन की प्रथम भूमिका है, क्योंकि यस्मात् न रीते किंचन कर्म क्रियते तत्मे मनसि संकल्पमस्त। जिस मन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता वो हमारा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। हमारा मन पाप में क्यों डूबा? रज और तम के कारण। इसी को कुरान की भाषा में कहा गया है, इबलीस जो मन है वह अजाजील का अंग है और यही इबलीस अल्लाह ताला की तरफ जाने नहीं देता। इसमें बेचारे विष्णु को दोषी बनाने का क्या औचित्य है? अजाजील की बनाई हुई दुनिया है, यानी आदि नारायण ने इस सृष्टि को बनाया है। अक्षर का मन अव्याकृत है और अव्याकृत का स्वप्नी मन क्या है? अजाजील। और वही अजाजील, वही अव्याकृत का स्वप्निक मन आदि नारायण कहलाता है, जिसको हिरण्यगर्भ कहिए, महाविष्णु कहिए, शेष साई नारायण कहिए, सब एक ही बात है। उन्हीं के संकल्प से, महातत्व से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार पैदा होते हैं जो जीव के साथ सृष्टि में जुड़ जाते हैं। रज और तम के संयोग से वो जीव को परमात्मा की भक्ति में नहीं लगने देते। आप देखिए इतने सुंदर साथ बैठे हैं, चलिए आप तो राज्य को मानते हैं, 10 मिनट भी ध्यान करते हैं तो राज्य का ही करते हैं। 6 अरब की जनसंख्या इस दुनिया में है, आप सबसे पूछिए आप परमात्मा का ध्यान करते हैं? सब कहेंगे अरे अभी समय थोड़े हुआ, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। बुढ़ापा आता है, कहते हैं कि क्या करें, अभी ये जिम्मेदारियाँ हैं। संसार में किसी को परमात्मा से प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? जो बाहर का दृश्यमान जगत दिख रहा है। संसार के जितने सुख हैं उनको बंटवारा करेंगे तो 5 भागों में व्यक्त हो जाएंगे। आंखें रूप को देखना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श को पाना चाहती है, जीवा मधुर स्वाद देना चाहती है, कान मधुर ध्वनि को सुनना चाहते हैं, इसी तरह से नासिका सुगंध लेना चाहती है। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, 5ों इंद्रियों का रज मन है। इसने 5 इंद्रियों के विषयों में सारे संसार के प्राणियों को भटका रखा है। इसको कहते हैं इबलीस के द्वारा जीव को भटकाए रखना और अल्लाह ताला से, परब्रह्म से उसको दूर रखना। इस अलंकारिक कथन को न समझने के कारण मन नारद फिरे दसो दिस, यह अलंकारिक कथन है। अब आप नारद जी पर सीधा आक्षेप कर देते हैं, विष्णु का भक्त कहें कौन है नारद जी, और नारद जी को आपने क्या रट्टा लगा रखा है? नारद जी तो ये अबलीस हैं, शैतान हैं। आप ये भी समझिए, नारद का अर्थ होता है नार यानी ज्ञान देने वाले को नारद कहते हैं। नारद तो देवर्षि हैं, उन्होंने प्रहलाद को रास्ता दिखाया कि तुम्हें कैसे भक्ति करनी है, सबका पथ प्रदर्शक बनते हैं, उनको आप शैतान कैसे कह सकते हैं? हमारे समाज में परंपराबद्ध एक से भूल हुई तो उस भूल को सबने दोहराना शुरू कर दिया और परिणाम कितना भयानक होता है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले ऋषि कुमार और श्याम सुंदर रीवा के थे, ऋषि कुमार भागवत के आचार्य थे और हमारे समाज के एक श्याम सुंदर थे रीवा के रहने वाले, उन्होंने केस कर दिया था, इसी मुद्दे को उठाया था कि ये लोग विष्णु को शैतान कहते हैं और नारद को भी इस तरह की भाषा बोलते हैं। ये कोर्ट में बहुत लंबे समय तक मुकदमा चला था। कारण क्या है? हम कुरान के वास्तविक आशय से विपरीत चले जाते हैं, शब्दों का अर्थ ले लेते हैं, उसके भाव में क्या कहा गया है इस पर ध्यान नहीं देते, परिणाम सत्य से हमारी विमुखता हो जाती है। उसी तरह से ये जो प्रसंग चल रहा है, संसार के हर मनीषी ने कठोर तपस्याएं की,
जो मैं मुख्य बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में हमारा दिल अर्श हो सकता है तो दधीचि ऋषि का क्यों नहीं हुआ, जिन्होंने इतनी तपस्या की कि उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, उनको पता नहीं चला। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी ने खड़े होकर 12 वर्ष तक तप किया। आपको तो 24 घंटा खड़ा करा दिया जाए, 10 दिन खड़ा कर दिया जाए तो आप तिलमिला उठेंगे। आप सोचिए महावीर स्वामी की तपस्या कितनी कठिन रही होगी। आपने गौतम बुद्ध के सीरियल में भी देखा होगा कि उनकी तपस्या के कारण शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। आपको तो भोजन मिलने में 2 घंटे की देर हो जाए तो आप घर में महाभारत खड़ा कर देते हैं। आपका दिल अर्थ हो सकता है, आप झूठ बोलते हैं, निंदा रस में डूबे रहते हैं, विषयों का चटखारे ले लेकर के सेवन करते हैं, जीवा को तृप्त करते हैं, तो आपका दिल अर्श हो गया, गौतम बुद्ध का नहीं हुआ क्यों? विचारणीय प्रश्न यह है। तारतम ज्ञान का प्रकाश आपको मिला, जिसने क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत की पहचान दी, उनको नहीं मिला। उन्होंने आपसे ज्यादा प्रयास किया, लेकिन उनकी साधना का आधार था तपश्चर्या, इंद्रियों को विषयों से रोकने का प्रयास किया। आपको परमधाम के प्रेम की डगर दिखाई गई है। परमधाम के प्रेम की डगर का तात्पर्य क्या है? आपको पता है कि अक्षरातीत के नख से सिख तक की शोभा क्या है? उन बेचारे ऋषि मुनियों को कुछ पता नहीं था, उन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठोर साधनाएं की, बड़ी बड़ी लंबी समाधियां लगा ली, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, साकार या निराकार से परे कोई कदम नहीं बढ़ा पाया। इसलिए अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर खोजने के समान उनका प्रयास रहा। बहुत प्रयास किया उन्होंने, हमसे कई गुना प्रयास किया, लेकिन परब्रह्म की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा नहीं सके। और आपको नख से सिख तक अक्षरातीत का 7 बार श्रृंगार सागर और श्रृंगार ग्रंथ में वर्णित किया गया है। उन्होंने लंबी लंबी समाधियाँ लगाई, उन्होंने यदि 6 दिन की समाधि लगाई तो आप 6 घंटे तो क्या, 2 घंटे तो क्या, 1 घंटे में भी आप आंखें बंद कर सच्चे हृदय से यदि आधे घंटे के लिए भी राज्य के नख से सिख तक की शोभा में डुबो दिए तो आपको आधे घंटे में जो फल प्राप्त होगा उनको 6 महीने की भी साधना में प्राप्त नहीं हो सका। जिसको जानते ही नहीं उसको दिल में कैसे बसा सकते थे? इसलिए आपको तो अनायास ही सब कुछ मिल गया। जैसे कहावत कही जाती है, अंधे के हाथ में बटेर लग जाए। हमारा जीव इसका पात्र नहीं था, लेकिन परम धाम की ब्रह्मात्मा ने इस जीव को पकड़ रखा है, इसलिए इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। सुंदर साथ गरीब भी है, काला कलूटा भी है, समाज में बड़े पद पर प्रतिष्ठित भी नहीं है, और जीव सृष्टि बड़े बड़े पदों पर है, पद में, रूप में, प्रतिष्ठा में, धन में, सब में आगे है, लेकिन एक संपदा उनके पास नहीं है, क्यों? उनके पास परमधाम का ज्ञान नहीं है। वाणी वही कह रही है आज की चौपाई का विषय। 14 लोगों के इस दुनिया में आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है। सबने उसको पाने का प्रयास किया, सबने अपने दिल को धाम बनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाया। वाणी में एक प्रसंग आता है, जिन जीवे किन संख्या ताको करो न मेला भंग, रंगे रमाणु वासना वासना सतकुंद। जो जीव मेरी संगति करेगा, यानी तारतम वाणी के प्रकाश में मेरे स्वरूप की पहचान कर लेगा, मुझ युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसा लेगा, तो उसको ब्रह्म सृष्टि जैसा ही सुख मिलेगा। यानी ब्रह्म सृष्टि का जीव सत्स्वरूप के जिस बहिस्त में जाता है, माया का कोरा से कोरा जीव भी उसी बहिस्त का अधिकारी बनेगा, और सत्स्वरूप की पहली बहिस्त में वो जीव ब्रह्म सृष्टियों का रूप जैसा ब्रह्म सृष्टि के जीव को मिलता है उसको मिलेगा। केवल चितवनी करके युगल स्वरूप को अपने दिल में बसाने का ये फल मिला। इसके पहले सबने बसाने का प्रयास किया था, हमसे 100 गुना कठोर साधनाएं की हैं ऋषि मुनियों ने, लेकिन कोई निराकार के परे नहीं जा पाया। इस तारतम वाणी की महिमा यही है। मैं ये क्यों कहता हूँ कि वाणी फैलाइए, चितवनी फैलाइए। चितवनी आप फैलाएंगे तो जिसका हृदय निर्मल होगा, जिसने रज और तम को परे धकेल दिया, अपने हृदय में श्रद्धा समर्पण प्रेम का रस प्रवाहित कर लिया,
उसके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस जाएगी। कोरा से कोरा जीव भी होगा तो वह स्थान प्राप्त करेगा जो ब्रह्मनियों के जीवों को प्राप्त होना है। और इसलिए इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान, ब्रह्म सृष्टि का दिल तो धनी का धाम बन ही जाएगा। जिसके पास हक किलम जित पहुंचिया, तित अर्श हुआ दिल हक, जिसने सागर श्रृंगार को पढ़ लिया। जैसे आप सागर श्रृंगार की जानकारी रखते हैं, आंखें बंद करेंगे तो आप हनुमान जी का तो ध्यान नहीं करेंगे, न शंकर जी का करेंगे। जब भी ध्यान करेंगे तो राज्य के चरण कमलों का ही ध्यान करेंगे, मुखारविंद का ही ध्यान करेंगे। ऋषि मुनियों को यह पता नहीं चल पाया कि निराकार से परे क्या है, अव्याकृत से परे क्या है। अव्याकृत भी पहुँचे तो सबलिक के बारे में नहीं जाने, पंचवासनाएँ सबलिक में गईं तो केवल के बारे में नहीं जानी, केवल के बारे में गई तो सत्स्वरूप से आगे तो कोई कदम भी नहीं बढ़ा पाया, सोच भी नहीं पाया। इसलिए पंचवासना ने सबलिक को अक्षर माना, केवल को अक्षरातीत माना। लेकिन वेद में कहा था त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुषः, इस योग माया के ब्रह्मांड से परे परम धाम है, इस पर किसी की नज़र नहीं जा पाई। पढ़ते रहे, व्याख्यान देते रहे, लेकिन इन रहस्यों को कोई भी जान नहीं पाया। साहेब आई इन जिमी करने कारज दिन, सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दिन। मेटन लड़ाई बंधन की दुदे जादे पैगंबर, धनी आए बेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित्त में धर। राज्य तीन काम करने के लिए आए, तीनों के लिए झगड़ा हो रहा है। मेटन लड़ाई बंधन की, हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कैसे मिटेगा? जब तारतम वाणी का प्रकाश मिलेगा तो मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तर ये समझे सब अपनी मिने आए। जब आए इमाम आखिर प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी का जो अनुशीलन कर लेगा वो जान जाएगा हिंदू कि वेद में क्या कहा गया है, उपनिषद में क्या कहा गया है, दर्शन में क्या कहा गया है, और हमारे धर्म ग्रंथों में परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के बारे में क्या बातें बताई गई है। जो तारतम वाणी का चिंतन कर लेगा वह जान जाएगा मुस्लिम कि कुरान और हदीसों के अनुसार एक अल्लाह ताला क्या है, कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का मार्ग क्या है। जब सबको एक सत्य का बोध हो जाएगा तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। मेटन लड़ाई बंधन की दूजे जादे पैगंबर, पैगंबरी का झगड़ा। पैगंबर किसको कहते हैं? संदेशवाहक। संदेशवाहक जो भी होते हैं संसार को अपना संदेश देकर चले जाते हैं, लेकिन उनके लड़ाइयों में विवाद खड़ा होता है, और इस विवाद के पीछे तीन चीज़ें कार्य करती हैं, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य। ये माया है, उस माया के लिए दुनिया लड़ती है। चाहे मोहम्मद साहब हों, मोहम्मद साहब के जाने के पश्चात अरब की धरती खून से लाल हो गई, खलीफा कौन बनेगा, इसके लिए अबू बकर उमर और उस्मान में विवाद खड़ा हुआ। अली की भी नमाज पढ़ते समय हत्या की गई, उमर की भी हत्या की गई, और जितने भी खलीफा हैं सबकी हत्या की गई। और फिर करबला के मैदान में यजीद ने कितना खून बहाया, हसन को किस तरह से, हुसैन को किस तरह से तड़पा तड़पा करके प्राण छोड़ने के लिए विवश किया गया। छोटा सा बच्चा था उसको भी उस पर भी किसी ने रहम नहीं किया, उसको भी तीर से मार डाला। किस लिए? खलीफा का पद पाने के लिए। हमारे हिंदू समाज में 1000 संप्रदाय हैं, वो आपस में क्यों लड़ते हैं? गादीवाद के लिए। अमुक महाराज शरीर छोड़े और यहाँ के हम महाराज जी बन जाएं, मठाधीश बन जाएं, इसके लिए दुनिया लड़ती है। 1000 पंथों में क्यों लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ चल रही है? मेटन लड़ाई बंधन के दूजे जादे पैगंबर। सारे संसार को यदि संघर्ष की आग में झोंका है तो किसने? एक तो धर्म ग्रंथों के आशय को न समझने के कारण हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। जहाँ आतंकवादी हमला करते हैं सबको कहते हैं कि बताओ कुरान की आयत सुनाओ, और जो नहीं सुना पाता उसको गोलियों से भून देते हैं। अरे भाई, कुरान की आयत सुना नहीं सका तो उसका गुनाह ये है, और उसको तुम गोली मार देना चाहते हो किसके लिए? जिसने प्राणनाथ जी की वाणी का अनुशीलन कर लेगा उसको पता चल जाएगा कि सारी सृष्टि तो अल्लाह ताला की बनाई हुई है। इस सारी कायनात को पैदा करने वाला एक ही बरहक है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो कुरान की आयतों को रटता रहता है। हिंदू मुसलमान को काफी वो कहते हैं कि ये राक्षस हैं, और मुसलमान हिंदू को क्या कहते हैं? काफिर।
दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों की भरमार लगा देते हैं, सब में घृणा है, और इस घृणा का कारण क्या है? अज्ञानता। मेटल लड़ाई बंधन के दूजे ज्यादा पैगंबर जिसने प्राणनाथ जी की वाणी को अनुशीलन कर लिया, वो गादीवाद से परे हो जाएगा, व्यक्तिवाद से परे हो जाएगा, वो सबके अंदर एक परम धाम की आत्मा का प्रकाश दिखेगा, इसलिए वो इन द्वंद्वों से परे हो जाएगा। और धनी दूजे जादे पैगंबर धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित्त में धर। हिंदू कहते हैं वेद हमारा ईश्वरी ज्ञान है, मुसलमान कहते हैं कुरान अल्लाह की वाणी है, लेकिन न वेद वाले जानते हैं कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है, धाम क्या है, न कुरान वाले जानते हैं। दोनों अपने अपने ग्रंथों की महिमा गाते हैं, आज तारतम वाणी का प्रकाश फैल जाए तो वेद वालों को भी पता चल जाएगा कि वेद में जो ब्रह्मपुरी का वर्णन किया गया है, दिव्य ब्रह्मपुरी ही सब ब्रह्म आत्मा प्रतिष्ठितम, ये अथर्वेद की मुंडक शाखा में मुंडक उपनिषद के अंदर लिखा गया है। वो दिव्य ब्रह्मपुर है कहाँ? जो अथर्वेद के केन सूक्त में ब्रह्मपुरी का वर्णन किया गया है वो ब्रह्मपुरी है कहाँ? बिना तारतम वाणी के इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता। उसी तरह से मुसलमान भी नहीं जान पाते कि मोहम्मद को मेराज हुआ तो कहाँ गए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर तारतम वाणी देती है, और सारे संसार के झगड़ों को मिटाने के लिए ब्रह्मवाणी आई है। जब ब्रह्मवाणी को हम फैलाएंगे तो हिंदू हो या मुस्लिम सभी अपने ग्रंथों को तो पढ़ेंगे, वेद को भी पढ़ेंगे, कुरान को भी पढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रह्मवाणी की शरण में आएंगे, प्राणनाथ जी की शरण में आएंगे। लेकिन हमने तो खुद को एक छोटा सा संप्रदाय बना लिया, हमने व्यापकता से देखा ही नहीं कि राज जी ने तो हमें सारे ब्रह्मांड के सिंहासन पर बैठाया था, लेकिन हम सिंहासन पर बैठना तो दूर, सिंहासन पर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, दूर से सिंहासन की चकाचौंध को ही देखकर बेहोश हो गए। हमारे पास साहस नहीं है कि हम ब्रह्मवाणी की जो फिलॉसफी है, ब्रह्मवाणी के तात्विक ज्ञान को सारे संसार में प्रस्तुत कर सकें। आज देखिए ब्रह्मा कुमारी मत में कोई तात्विक ज्ञान नहीं है, शिवानी उच्च स्तर की प्रवक्ता है, उनके बोलने का ढंग बहुत अच्छा है और अपने प्रस्तुतिकरण से लाखों को सम्मोहित करती है। कोई परमधाम का ज्ञान उनके पास नहीं है, वो ये भी नहीं जानते कि अक्षरातीत कौन सी बला का नाम है, उनको ये भी पता नहीं कि अक्षरातीत का ध्यान कैसे किया जाता है। सामान्य स्तर की छोटी छोटी बातों को बताकर वो सारे संसार में अपना डंका बजा रहे हैं, और हम परमधाम का ज्ञान लेकर भी अपने मंदिर बना बना कर छोटे छोटे बैठे रहते हैं, हमारे में लड़ाइयाँ होती हैं, हमें मालूम ही नहीं कि ब्रह्मवाणी की गरिमा क्या है। इसलिए कहते हैं मेटन लड़ाई बंधन की दूजे जादे पैगंबर धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित्त में धर। और इस ब्रह्मवाणी के प्रकाश में जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है कि हर सुंदर साथ कह सकता है आज कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इत आए करो आराम। ये चौपाई सागर की है, हम अच्छी तरह से गाते हैं। अभी आपने जो खुलासा की चौपाई पढ़ी कि 14 लोगों के इस संसार में आज तक कोई भी यह साहस नहीं कर पाया कहने का कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा का परम धाम कहाँ है, उस परम धाम को हमारे धाम हृदय में बसा दिया। ऋषियों ने बहुत प्रयास किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी चेतना है चेतना में ही सब कुछ बसता है, परमात्मा इसके अंदर अंतर्यामी रूप से है। हम चौपाई जरूर पढ़ते हैं, हक नजीक सहरक से अड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखी भरता, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता। हम चितवनी भी करेंगे तो वैसे ही करना चाहिए जान दृष्टि से, ये काल माया को पार किया, युग माया को पार किया, परम धाम में प्रवेश किया, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन चलते फिरते यदि हमारे हृदय में यह भावना आ जाए कि हमारा दिल धनी का धाम है तो हम बाजी जीत लेंगे। कैसे? आपको मैं एक दृष्टांत देता हूँ। ब्रज से मथुरा आने के पश्चात श्री कृष्ण जी वहीं रह जाते हैं, गोपियों से कहे होते हैं कि मैं 4 दिन में लौट आऊँगा, लेकिन लंबा अरसा बीत जाता है, कृष्ण जी खोए खोए रहते हैं। उनके मित्र उद्धव कहते हैं कि भगवान आप हमेशा उदास रहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहीं, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। गोपियों का प्रेम
माता यशोदा का प्रेम मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा कि ये भगवान कहलाते हैं लेकिन गोपियों का प्रेम इनको इतना बेसुध किए हुए है कि ये उदास क्यों बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान आप मुझे स्वीकृति दें तो मैं इन गोपियों को जाकर के समझाऊं। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि बहुत अच्छा होगा, मैं भी निश्चित हो जाऊंगा कि माता यशोदा मेरे विरह में ज़्यादा दुखी न हो और गोपियाँ भी दुखी न हो। उद्धव अपने ज्ञान की पिटारी लेकर के चलते हैं बहुत अभिमान के साथ। श्री कृष्ण जी पाती लिख करके देते हैं, उद्धव जब जाते हैं केवल इतना कहते हैं ब्रजमंडल में जाकर, उनके आने की बात सुनकर सारी गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, उद्धव से पूछती हैं कि हमारे लिए क्या लेकर आए हो। जैसे ही उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी ने तुम्हारे लिए पाती दी है, उन्होंने कहा कि पाती दिखाइए, सब झपट पड़ी और उस पत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक एक टुकड़े को लेकर सभी खुश हैं कि हमें मिल गया पत्र मिल गया। उद्धव सिर पकड़ लेते हैं कि मैं ब्रज में नहीं किसी पागलखाने में आया हूँ, पत्र में क्या लिखा है ये तो किसी ने पूछा ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है। उसके टुकड़े टुकड़े पाकर ही वे खुश हैं कि हमें पाते मिल गई। आगे कहानी चलती है, उपदेश देने लगते हैं कि देखो गोपियों, श्री कृष्ण जी को अपना राज कार्य करने दो, जो परमात्मा है सर्वशक्तिमान है सकल गुण निधान है सर्वव्यापक है निराकार है अचिंत है, इसलिए तुम योग साधना करो ध्यान समाधि लगाओ, उससे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। कृष्ण के मोह के पीछे पड़ोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम भये बौरे पाती लेके आए दौरे, हम योग कहाँ रखें यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे रोम रोम में श्याम बसता है, श्री कृष्ण बसते हैं। तुम ये कहते हो कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण तो हमारे साथ हैं और उनका दृढ़ मनोबल होता है और उसके परिणाम स्वरूप उद्धव को दिखाई देता है कि हर गोपी के साथ श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। उद्धव के ज्ञान का अहंकार टूट जाता है, हर गोपी के साथ श्री कृष्ण दिख रहे हैं, परिणाम वहाँ की धूल को अपने माथे पर लगाते हैं। यह घटनाक्रम हमें क्या शिक्षा देती है? इस घटनाक्रम से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि देखिए वही गोपियाँ हैं, उन गोपियों के अंदर वेद ऋचाएँ हैं और प्रतिबिंब की सखियाँ हैं। 12,000 वेद ऋचाएँ 24,000 प्रतिबिंब की सखियाँ हैं। जैसे पहले वाली लीला में 12,000 ब्रह्म सृष्टि 24,000 ईश्वरी सृष्टि थी, इसमें भी 36,000 की सखियाँ हैं, वो भी कृष्ण को याद कर रही हैं, लेकिन उनमें भावलीनता क्या है? उठते बैठते सोते जागते उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। उस प्रेम के बल पर उन्होंने माना है कि कृष्ण हमारे हृदय में रहते हैं, तो उनका वह प्रेम हर गोपी के हृदय में कृष्ण को बिठा देता है। उसी तरह से वाणी कहती है, उठते बैठते सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े मासूक को जाके असल हक निस्वत। जिसको यह पता चल गया कि मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हूँ और मेरे हृदय से अक्षरातीत का अटूट संबंध है, मेरी आत्मा के धाम हृदय में मेरा प्राणेश्वर बसता है, तो उठते बैठते अपनी आत्मा के हृदय में उस प्रियतम को खोजिए। आप मत सोचिए कि हम माया के संसार में आए हुए हैं। इसी खुलासा की वाणी में कहा गया है कि तीन इत ही पाया बका दीदार, जिसने अपनी आत्मा के धाम हृदय में खोजा वो यहीं बैठे बैठे अक्षरातीत को अपनी आत्मा के धाम हृदय में प्रत्यक्ष पा सकता है। देखिए परात्म मूल मिलाव में बैठी हुई है, परात्म की नज़र आत्मा के रूप में इस जीव के ऊपर बैठकर परात्म का श्रृंगार लेकर खेल को देख रही है, उसकी दृष्टि जीव के ऊपर है। जीव दुखी होता है तो वैसे ही उसकी स्थिति होती है, जैसे टीवी के पर्दे पर आप कोई पिक्चर देखते हैं तो हंसने वाला दृश्य होता है तो आप भी हंसने लगते हैं, कोई किसी की हत्या कर रहा होता है तो आप भी दुखी हो जाते हैं। हत्या आपकी नहीं होती है लेकिन जिसकी हत्या होती है वो दुखी तो होता है, आप भी दुखी होते हैं, आपके मुख से आह निकल जाती है। उसी तरह से जब जीव दुखी होता है तो आत्मा को लगता है कि यह दुख मेरा है, जीव सुखी होता है तो आत्मा को लगता है ये मेरा सुख है। वाणी क्या कहती है, दुख सुख डारो आग में ये जो झूठी माया के। आप मेहर सागर का पाठ पढ़ते हैं ना, पूछा जाए क्यों पढ़ते हैं तो
दुखों से निवृत्त होने के लिए पढ़ते हैं। मेरे साथ पास भी सुंदर साथ आते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं कह दूं कि उनको मेहर सागर का ये पाठ करो तो दुख से छूट जाओगे। हंसी आती है लेकिन मुझे कहना भी पड़ता है कि भाई आप पाठ कर लो। यह तो सोचिए मेहर का सागर किस लिए है। मेहर का सागर तो बता रहा है कि आपके हृदय में सातों सागरों का रस उमड़ने लगे तो समझिए कि मेहर का सागर आपके अंदर बरस रहा है। आपके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस जाए, आपके हृदय में ब्रह्मवाणी का ज्ञान आ जाए, आपके हृदय में नख से सिक्त युगल स्वरूप की छवि दिखने लगे, परात्म का श्रृंगार दिखने लगे, इश्क का रस बरस जाए, वहदत का रस बरस जाए, निस्बत का रस बरस जाए, तो वो है मेहर का सागर। आपने मेहर सागर का पाठ करके 10 करोड़ रुपया कहीं से पा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, सबसे सुनाते फिरते हैं, देखिए राज जी ने कितनी बड़ी कृपा की, हमारे को 10 करोड़ रुपया मिल गया। ये कोई मेहर नहीं है, ये तो कुछ समय के लिए सुख मिला है, माया का सुख है, ये चला जाएगा। दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के सुख और दुख दोनों से परे होकर के अपने को देखिए कि आपका स्वरूप इस सुख और दुख के द्वंद्वों से परे है। आप आत्मा हैं, जीव नहीं है। जीव सुख से बंधा है, दुख से बंधा है, क्योंकि वो बेचारा इस सृष्टि का है। आप दुख और सुख से परे हैं। आपका आनंद क्या है कि आपके धाम हृदय में युगल स्वरूप बसें, उनके सभी सागरों का रस आपकी आत्मा के हृदय में बसने लगे। परिणाम क्या होगा, वही आपके लिए मेहर के सागर की वर्षा है। श्री महामद कहे मोमिनो तुम पर दमदम जो वर्तत सो सब इसका हक का पल पल मेहर करत। पल पल राज्य की कृपा बरस रही है और ब्रज की गोपियों की तरह आप निस्बत का अधिकार लेकर खड़े हो जाएंगे तो आपके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसने लगेगी। आप भी गोपियों की तरह कह सकते हैं कि नहीं राज जी हमसे एक पल के लिए न दूर थे, न हैं, न कभी होंगे। इसलिए आज की चौपाई से यह बात अपने हृदय में बसाइए कि आपको अधिकार है अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को प्रत्यक्ष देखने का। ब्रज की लीला हमारे लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर रही है कि किस तरह से ब्रज में सभी सखियों ने प्रेम का मार्ग अपनाया था और जब राज्य का आवेश चला जाता है, अखंड योग माया की शक्ति की लीला प्रारंभ होती है 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में, और श्री कृष्ण के विरह में गोपियाँ रहती भी हैं तो उस विरह में उन्होंने कैसे अपने प्राणेश्वर को पाया। हमारे धाम धनी मूल संबंध से हमारी आत्मा के धाम हृदय में रहते हैं लेकिन हम ज्ञान का प्रकाश पाकर विरह का अनुभव करते हैं। आंखें खोलते हैं तो संसार दिखता है, राज्य नहीं दिखते, लेकिन हमारे अंदर दृढ़ आस्था गोपियों की तरह तो हो। गोपियों को चितवनी नहीं सिखाई गई थी, गोपियों को परमधाम की वाणी नहीं दी गई थी। आपसे प्रतिदिन चितवनी कराई जाती है, वाणी दी जाती है, बार बार बताया जाता है कि युगल स्वरूप का नक्श सिक्त श्रृंगार क्या है। आप अपने हृदय में प्रेम और अटूट विश्वास श्रद्धा समर्पण लेकर अपने धाम धनी को बसाइए, आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए मूल संबंध से आपका हृदय धनी का धाम है, इस उसकी अनुभूति इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारी दृष्टि जीव भाव को प्राप्त हो गई है। इसके लिए परात्म का श्रृंगार लेकर अपने अंदर आत्मभाव भरना होगा, परम धाम के अखंड संबंध का अधिकार लेकर उनसे प्रेम करना होगा। परिणाम यही होगा, आपको इतिन इति बैठे पाया बका दीदार, आपको यहीं बैठे बैठे संपूर्ण परम धाम का दर्शन होगा, युगल स्वरूप का दर्शन होगा और आप कभी भी यह गिला शिकवा नहीं करेंगे कि राज्य हमको दर्शन नहीं देते। अब जो पैदल चौदे तबक की जहान में कीना तरफ न पाई अरसा हाक सो किया अरसा दिल मोमिनो ए निस्बत मेहर मुतलाक ए निस्बत मेहर मुतलाक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु।